हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी कुक्स। तो आज हम बनाएंगे तीखी तीखी मोमोज की चटनी, जो कि बहुत ही तीखी होती है और मोमोज के साथ सिर्फ यही चटनी चलती है, नहीं तो मोमोज का मजा नहीं आता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। मोमोज की चटनी के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। 3 टमाटो ले लिया है मैंने, 1 प्याज ले लिया है, 3-4 गार्लिक क्लव्स ले लिए हैं और थोड़ी सी अदरक ले ली है। ये 3 टमाटोज ले लिए हैं मैंने, ये ऊपर से इसकी कैप हटा देते हैं। उसके बाद इसमें ऐसे हल्का हल्का कट मार देंगे नीचे से। तीनों टमाटोज के कट मार दिए हैं। और ये थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च है, जिसको कि हमने 15 से 20 मिनट भिगो लिया है। अब एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास के बराबर पानी ले लेंगे, जिसमें कि टमाटोज हमारे डूब जाएं। और इसके साथ ही जो हमने ये रेड चिलीज भिगो के रखी थी 15 से 20 मिनट, वो इसमें डाल देंगे। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, टमाटोज का छिलका एकदम से नरम ना हो जाए। इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, देख लेंगे इसको। ये देखिए बॉईल हो चुके हैं, टमाटोज भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको पानी में से निकाल लेंगे। अब हम इन टमाटोज की पील कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे हम छिलका उतार लेंगे इनका सबका, बड़ा इजीली उतर जाएगा। तो इसको इस तरह से हम पील कर देंगे। ये देखिए बड़ा इजीली निकल रहे हैं इसके छिलके सारे। गर्म है तो ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप इसमें ये थोड़ा सा गार्लिक 4-5 क्लव्स के बराबर है ये बड़े वाले, और थोड़ा सा जिंजर 2 इंच के करीब जिंजर है। इनको बहुत ज्यादा रेड नहीं करना है, हल्का सा पका लेना है इसको। आप इसमें अनियन भी डाल देंगे। एक छोटा अनियन ले लिया था, इस तरह से कट कर लिया है, बहुत बारीक कट करने की जरूरत नहीं है। इसको भी बहुत ज्यादा रेड नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होते ही ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट पिंक हो जाएगा। तो इसमें हम टमाटो डाल देंगे, हो चुका है, मैश कर लेंगे। को हमने मैश कर लिया है, साथ ही जो लाल मिर्च है उनको भी डाल दिया है। इसमें साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1/2 चम्मच के बराबर, और सोया सॉस डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए इसमें कलर कित, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली बने, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे। नींबू लगभग 1/2 चम्मच डालेंगे, नींबू नहीं तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, जिसमें कि इसको हम सेव करके रख सके, लेकिन इसमें 1/2 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अब ये चटनी बनकर बस तैयार ही है। अब एक प्रोसीजर और है इसमें, ये हो चुकी है। अब ठंडी होने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी में जार में डाल के इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी है हमारी मोमोज की तीखी तीखी चटनी। सो गाइस, कैसे लगी आपको ये वीडियो, प्लीज बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।